के जाएंगे, कितने चांसेस हैं, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट. सो वो उसके लिए क्या क्या, फिर भी क्या आप लोग कहीं ना कहीं प्रिपेयर थे कि उमर भाई एकदम ऐसे चले जाएंगे? देखिए, प्रिपेयर तो कोई भी नहीं होता है. हाँ. और कोई ये बात एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि आपके वालदैन में से कोई आपको छोड़ के चला जाएगा. ये तो एक इम्पॉसिबल चीज़ है. लेकिन कहीं ना कहीं अब्बू मेरे जो थे ना, लोगों के सामने तो वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार कॉमेडियन थे, लेकिन बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द स्क्रीन वो एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान थे और उनका बहुत एक कनेक्शन था, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड थे. तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी उनको कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. और बचपन से उन्होंने हमें सिखाया है कि लोगों से किस तरह प्यार करना है, लोगों का अदब कैसे करना है, मदद कैसे करनी है. बहुत आजी उन्होंने हमें सिखाया. ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. वो हमसायों का ख्याल रखते थे, रिश्तेदारों की, यानी कि यतीमों की कफालत की उन्होंने. उन्होंने बेवाओं की, कितने ऐसी बेवाएँ हैं जिनके घर वो चलाते थे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो, कितने आर्टिस्टों की उन्होंने हेल्प की. और मुझे उन्होंने अपने साथ साथ रखा. मैंने पूरी दुनिया उनके साथ ट्रैवल किया एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. और एंड टाइम पे भी उनको अपने फन से बहुत प्यार था. और बीमार भी थे तो उन्होंने शोज किए उस कंडीशन में भी, यानी कि वो इतने अपने प्रोफेशनल थे, अपने काम से इश्क था उनको. और इस चीज़ की मैं बहुत कदर करता हूँ. और उन जैसा कोई भी नहीं है, और आई एम श्योर कोई बहुत मुश्किल है कि उन जैसा हो. लेकिन वो जो एक खला है वो कभी पूरा नहीं हो सकता. और ये गम तो सारी ज़िंदगी का, मतलब अगर देखें हम ये जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी ये कहते हैं और जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें उमर भाई को हम जैसे ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि उनको रिप्लेस करना भी क्या, मतलब उनके करीब जाना भी एक नामुमकिन सी बात है. सो मतलब ये तो उनकी बिल्कुल आर्ट वाली साइड पर आ गई ना. ही वॉज अ मेगा स्टार, हम सब जानते exactly. हैं. लेकिन घर में भी उनका स्टारडम वैसे ही चल के घर तक आता नहीं, था? नहीं नहीं नहीं, घर में वो एक बहुत संजीदा इंसान थे. ये वो लोग जानते होंगे जो हमारी फैमिली के हैं कि घर के अंदर ही वॉज अ वेरी सीरियस मैन, जो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते थे. उन्होंने हमारे अंदर ना मुल्क से मोहब्बत डाली. मतलब अगर वो चाहते तो अपने प्राइम टाइम पे वो किसी भी मुल्क में सेटल हो सकते थे, बट ही चोज टू स्टे इन पाकिस्तान. एग्जैक्टली, वो उनको ऑफर्स भी थी लेकिन नेशनलिटी लेने की भी, बट ही रिफ्यूज्ड. उन्होंने कहा कि आई विल लिव इन पाकिस्तान, आई विल डाई इन पाकिस्तान, दिस इज माई कंट्री. और हमसे ज्यादा टाइम उन्होंने आवाम को दिया है. उन्होंने इतना थिएटर किया है. आप देखें अब्बू के जितने भी ड्रामास हैं, उसके एंड पे एक सोशल मैसेज जरूर होता था फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल से हम गुजर रहे हैं, यानी कि बकरा किस्त पर वॉज जहेज पे था और वो आज भी मसला है, बच्चों की शादियों का था वो आज भी मसला है. इस तरह से अब्बू ने एक प्ले किया था एक कदम के नाम से, इट वॉज ऑन ड्रग्स और वो बहुत जबरदस्त प्ले था और वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया. तो यंगस्टर्स के लिए भी एक मैसेज था, बूढ़ों के लिए भी एक मैसेज था. वो एक अवामी इंसान थे, अवाम की आवाज़ बनकर आए थे. और उन्होंने घर के अंदर बहुत दीनी माहौल, हमें दीन सिखाया उन्होंने. तो रमज़ान में अक्सर अब्बू कुछ भी नहीं करते थे. रमज़ान में सिर्फ हमारे साथ रोज़े रखते थे, इबादत करते थे. और उनकी पसंदीदा नमाजों में से एक नमाज थी सिरातुत तस्बीह, जो वो 27वीं की रात को पूरा एहतमाम करके सारे दोस्तों को बुला कर, आर्टिस्ट भी होते थे उसमें उनके पर्सनल दोस्त, और वो पूरी एक महफिल होती थी और उसमें सिरातुत तस्बीह पढ़ते थे. उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सब लोग अपने घरों को रवाना होते थे. तो हमने ये देखा कि हमारे घर में जितनी भी तकरीबात हुई उसका इख्तिताम जिक्र इलाही पे होता था. और अब्बू बहुत अच्छे जाकिर थे, यानी कि 3-4 घंटे मुसलसल वो दीन पर बात करते थे और इतनी फीलिंग्स के साथ करते थे कि मतलब वो रोना थे, यानी कि वो इतने कनेक्टेड थे. यानी कि अगर अब्बू ने नमाज़ पढ़ी है उसके बाद आधे घंटे की दुआ है उनकी, उसमें सारे एक्टर्स, सारे मीडिया के लोगों के नाम, जितने भी अंबिया इकराम हैं, जितने भी आपके बुजुर्गाने दीन हैं, उन सब का वसीला वास्ता देकर फिर दुआ मांगते थे. ये मैंने उनको देखा है, वो अक्सर अपने शोज में भी जो इश्क रसूल जो उनके उनके छलकता था उनकी बातों से, और वो जो अहले बैत से जो उनकी मोहब्बत थी, बेशक, वो और उसका मतलब कहीं झिझकते नहीं थे नहीं, इसका इजहार करने में. नहीं, नहीं, चाहे वो कॉमेंट कर रमजान की ट्रांसमिशन भी देखते थे, वो जिस तरीके से बात करते थे तो वो झलकता था. मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि रमजान की ट्रांसमिशन कर रहे थे अब्बू, और पूरे हर रोज अब्बू को एक नया सूट क्योंकि वो पहन कर शो करते थे. तो जब 30 रोज़े पूरे हो गए और आखिरी शो था जिस दिन, तो हम होटल में रूम में थे. तो अब्बू ने क्या किया, उस होटल के सारे वेटरों को बुलाया, जमा किया रूम में. अब मुझसे बोला वार्डरोब खोलो, वार्डरोब खोली, अब वो 30 सूट लटके हुए. अब सबको बोला अपनी अपनी मर्ज़ी का सूट ले लो. अब सब लोगों ने सूट ले लिए और वो डिज़ाइनर सूट्स थे, ब्रांडेड, वो सब अपनी अपनी मर्ज़ी का, उम्र में मैं यही ले लूँ, उम्र में मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ, सब ने ले लिए. और वो इतना खुश हो रहे थे. और सब कुछ बांटने के बाद मुझे कहने लगे, जवाब देखो ये लोग नहीं ले सकते ईद पर नया सूट. तो वो इस तरह के इंसान थे, यानी कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे घर पे कोई शख्स आया है और वो खाली हाथ गया हो. मतलब अब्बू ने उसको कुछ ना कुछ दिया है. और बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग होते थे जिनकी एक इज़्ज़त होती थी, वज़ादार होते थे, तो अब्बू अक्सर क्या करते थे कि मुझे भेज दिया करते थे उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए, और मेरे हाथ में पैसे देते थे कि तुम जाते हुए इनको पकड़ा देना, ताकि इनकी इज़्ज़त ना मजरूह हो, ये मेरे सामने एक सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी ख़राब ना हो. और
इतने मेहमान नवाज इंसान थे कि उनका दस्तरखान बहुत वसी था। जब कोई गया है उनके पास तो वो खाना खाए बगैर तो जा ही नहीं सकता। ये नहीं होगा कि आप गए और उमर भाई के पास चाय पीकर आ गए आप उमर साहब के पास। यानी कि उमर साहब इतने मेहमान नवाज इंसान थे और अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से उनको नवाजा था। वो हकीकी मायनों में अपने फ़न के बादशाह थे, वो ज़िंदगी में भी बादशाह थे। और वो ऐसे बाप थे जिन्होंने हमें बहुत पैम्पर रखा, मतलब मुझे पूरी दुनिया घुमा दी, हर शख्स से मैं मिल लिया, मुझे कोई मुझे चाहत नहीं है अब कि मैं किसी को देख के एक्साइटेड नहीं होता। उन्होंने, और मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ, मैं उनका बेटा भी हूँ, उनका मुलाजिम भी था, मैं तो गुलाम था उनका, और जितनी कोशिश कर सकता था मैं, जी मैं गुलाम उनका मुलाजिम भी, मैं मुलाजिम भी, मैनेजर भी, बेटा भी, पैर भी दबाने वाला, उनका बैग भी उठाने वाला, उनकी गाड़ी भी चलाने वाला। और एक बड़ी अच्छी बात मैं आप सबको बताना भी चाहता हूँ कि अब्बू जब ट्रैवल करते थे तो मैं गाड़ी चलाता था, तो अगर हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो ना गाड़ी में हमारे म्यूज़िक बजेगा, ना रेडियो, ना अब्बू बात करेंगे। अब्बू करते थे तीसरे कलमे का विर्द और दुरूद शरीफ का वक्त, तो 5 घंटे अब्बू पढ़ते हुए जा रहे हैं और मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये कितनी वो हैरानी की बात है ना कि आपको ना कि जब आपने कोई ऐसा शो करने के लिए जाना तो फिर आपको होता है कि आप नहीं नहीं, आप यकीन करें जी सनी अवार्ड्स में हम गए हैं और उस वक्त भी अब्बू रूम में बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे जब परफॉर्मेंस की है 2004 में। और मुझे याद है अमिताभ बच्चन आए अब्बू से मिलने के लिए और डेविड धवन भी जिंदा, हाँ, जी जी वो जिंदा शो में, हाँ, एग्जैक्टली वो पीछे बैक स्टेज मिलने आए अब्बू से, तो बहुत रिस्पेक्ट से मिले वो और वो डर रहे थे बेसिकली। उनको मिलना भी चाहिए, उन्होंने उमर भाई की स्क्रिप्ट कॉपी की। जी वही मैं वही बता रहा हूँ कि वो डेविड धवन भी साथ थे, तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि जी उमर साहब हमने आपका एक ड्रामा था हम साउथ सामने आए, तो हमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ में एक सीन आपका कॉपी किया था। तो डेविड धवन कहने लगे कि उमर भाई हमने इतना उसको कॉपी किया था कि एक जगह पर आप खांसते हैं, तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा जी मैं भी वहीं पे खांसा था, तो अब्बू ने कहा यार मुझे तो वैसी खांसी आ गई थी, तो आप लोगों ने ये भी कॉपी कर लिया, तो उन्होंने खांसी तक अब्बू की कॉपी की है। फिर अक्षय कुमार, गोविंदा, आमिर खान, जितने भी एक्टर, शाहरुख खान, मतलब एवरीवन वाज इंस्पायर्ड बाय हिम। और जॉनी लिवर से मेरी अभी पिछले महीने बात हो रही थी, तो वो भी बात करते करते रो पड़े अब्बू का जिक्र करते हुए। तो लोग बड़ी उनसे मोहब्बत करते थे और वो इस वो डिज़र्व करते थे ये रिस्पेक्ट। मतलब मैं उनका बेटा हूँ लेकिन मैं सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ उनका। मुझे याद है बकरा किस्तों पर जब मैंने लाइव देखा था, आई स्टिल रिमेम्बर, अब्बू ने हमारा नाम भी लिया था। मैं 5 साल का हूँगा, 4-5 साल का, बट आई रिमेम्बर कि क्या ड्रामा था जब पहली फिल्म अब्बू की रिलीज हुई थी 420, तो मैंने वो फिल्म देखी थी और मुझे याद है वो सारे मोमेंट्स कि अब्बू जब एकदम से मैं स्क्रीन देखी फर्स्ट टाइम और मैं अब्बू के पास गया। बड़ा मज़े का वाकया, वो एक सीन में अब्बू को मार रहे होते हैं विलन, तो मैं बड़ा रोया, मैंने कहा अब्बू पिट रहे हैं, खून निकल रहा है, ये हो रहा है, तो वो स्क्रीन होती है पर्दे की ना, तो मैं समझा कि ये कपड़ा है इसका, तो मैंने वो पकड़ लिया, उसको खींच लिया कि अब्बू से पीछे करो उसको। और वो अनिल चौधरी थे विलन उसमें, अल्लाह उनको गरी करे, उनको गरी करे मत करे, वो काफ़ी अरसे तक मेरे लिए विलन रहे। मैंने कहा यार मैं जब घर आते, हाँ मैंने 3-4 दफ़ा ट्राई की कि इनके मैं करीब जाकर कुछ बताऊँ इनको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट वो एक आपके जहन पे, आपके हर बंदे का हीरो उसके वाले साहब होते हैं, देखें चाहे वो सुपरस्टार हो या ना हो। आई थिंक कि हमारी जिंदगी में अगर अल्लाह ताला की इबादत के बाद कोई मकसद है तो वो माँ बाप की खिदमत है, इससे बड़ी वाकई और कोई बात नहीं। आपको अपने वालिद का जो सबसे पहले अपने से प्रोजेक्ट देखा था वो कौन सा था दानिश, और आपको भी ऐसे तब चढ़ती थी कोई ऐसा चूंकि विलन कोई और सामने आ जाए कि मैं इसको जाके कूटूं? नहीं, अब तो खुद ही ज्यादातर वडेरे विलन आते थे, खुद ही कूट देते थे जिसको कूटा था ड्रामे में। अब्बू का खुद की असली पर्सनालिटी में भी काफी वो होता था, फ्रेंडली भी थे, लोगों से मिलना मिलाना भी था। ड्रामे में देख के बस यही एक हमें पता होता था कि यार ये किरदार है और वो परफॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ बता भी दिया करते थे अब्बू के भाई ये एक्टिंग है, क्योंकि अब्बू गवर्नमेंट जॉब भी करते थे प्लस एक्टिंग भी करते थे। फिर हैदराबाद में एक पूरा मोहल्ला अब्बू के नाम पे, फरीद मोहल्ला, और बस तो ये नहीं लगा कि यार कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्या हो रही हैं, तो वो हमने देखी हुई थी चीज़ें, हमें बताया हुआ था अब्बू ने। लेकिन वैसी बात है कि माँ बाप जब साथ होते हैं तो उनकी अलग बात होती है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है चीज़ें। तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं। अब्बू को बड़ा लोगों को खाना खिलाने का शौक़ हुआ करता था कि जैसे कभी हम ज़मीनों पे गए कि कोई वहाँ पे एक शख्स वहाँ बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग थे तो उनको घर ले आए, अब वो अंकल हमारे साथ रह रहे हैं, तो अम्मी को बताते हैं कि यार ये बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, उनको उनके बच्चे छोड़ गए, अभी हमारे साथ रहेंगे। या फिर एक गाँव में गए, छोटा बच्चा ले आए, अब वो सारा दिन बच्चा, वो हमसे ज़्यादा उससे प्यार कर रहे हैं, हर वक्त उसके साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो शूटिंग पे ले जा रहे हैं, तो हम कहते हैं अब्बू आप, कहते हैं यार मासूम बच्चा है साथ रहता, अच्छी बात है। तो इसलिए शायद अल्लाह ताला ने उनको 29वीं शब रमज़ान 3:30 बजे अब्बू का इंतकाल हुआ, एक बड़ा दिन था जब हम सुबह मस्जिद गए नमाज़ पढ़ने को, पूरी खचा खच तारुट वाली मस्जिद थी, भरी हुई मस्जिद, और लोग, मतलब वही बात है कि अब जो आपने ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी एक नेकी करते हैं तो वो कबूल होती है, लेकिन मरने के बाद अगर पूरी जायदाद भी आप ट्रस्ट कर दें तो उसकी वो बात नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वही लोग जो भी इस वक्त हैं तो वो जितना ज़्यादा
अल्लाह के नाम पे चीज़ें देते हैं, खैरात करते हैं, तो वो आपको फिर मिलती है काम कामयाबी। हमारे साथ कॉलर हैं इस्लामाबाद से, सिप्त हसन। अस्सलामुअलैकुम जी। जी अस्सलामुअलैकुम मैम, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज चूज़ किया। मैं भी अपने व्यूज शेयर करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। मेरे वालदैन इंडिया से माइग्रेटेड थे, तो हम गांव में रहते थे, तो उनकी में कोई एजुकेशन नहीं थी मेरे पेरेंट्स की, लेकिन उनका विजन यानी आज से 40 साल पहले भी ये था कि मैंने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है। तो उन्होंने मतलब हमें तालीम दिलवाई, और मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में साइकोलॉजिस्ट बड़े अच्छी पोस्ट पे थे, मेरे बड़े भाई वो पुलिस में, और मैं भी एजुकेशन में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो मेरे वालिद ने इतनी मेहनत से हमें पढ़ाया कि वो हमसे ये नहीं शेयर करते थे कि मैं कैसे हालात से गुजर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं कैसे अर्निंग करता हूँ, लेकिन हमें ये कहते थे कि आप लोगों ने तालीम हासिल करनी है। तो मैं ये एक वाक्य शेयर करता हूँ कि आखिरी वक्त जब वो बीमार हुए, तो उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, तो मैं इस्लामाबाद से जब घर गया तो वो इतनी तकलीफ में थे कि मैं जब पहुंचा हूँ तो मुझे कहते कि बेटा ये जरा शूज पहने, तो मैंने पहने तो मुझे पूरे थे, कहता बेटा मैंने ये आपके लिए लिए हैं। यानी वो इतनी तकलीफ में होते हुए भी अपने बच्चों का ख्याल करते थे। और सेकंडली जब भी हम गांव जाते थे, तो हालांकि हम तीनों भाई बड़े अच्छी मतलब हमारी अर्निंग थी, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि बेटा आप लोगों की सैलरी कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी है, मतलब जाते हुए, बल्कि अम्मी के थ्रू पूछते थे कि अपने बेटों से ये पूछें कि क्या आप लोगों को कोई पैसों की ज़रूरत है तो मैं देता हूँ। तो यानी उनका ऐसे शफीक बाप मैंने नहीं देखे। और दूसरा ये कि जब भी वो मतलब हमें ईद के मौके पर जाना, तो उन्होंने इतनी वो खुशी का इजहार करते थे, तो बस मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन वो उनकी कमी आज भी हमें उसी तरह महसूस होती है। अल्लाह ताला उनके जन्नत में आला दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का सिप्त हसन भाई, कि आपने हमें कॉल किया, आपने अपना हमें समझा और बताया कि जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है उन लोगों को जो कि